हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय सेल्फ नेहा राजपूत। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही अच्छी न्यूज लेकर आया हूँ। यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए है। दोस्तों, आज हम एक नहीं टोटल चार राज्यों के बारे में बताएंगे। यहाँ पर 7,000 से भी अधिक सीटों पर यहाँ पर आवेदन मांगे हैं। दोस्तों, यहाँ पर 7,000 से भी अधिक नौकरियों के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इंडियन पोस्टल सर्किल GDS के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक की बहुत सारी पोस्टें निकाली गई हैं और वो भी चार राज्यों में एक साथ, इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो दोस्तों, ये राज्य कौन कौन से हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहेगा मेरे वीडियो के साथ, और ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को देते हैं पूरी जानकारी क्या है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिख रहे सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे के निशान को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंडियन पोस्टल सर्किल रिक्वायरमेंट 2020, यहाँ पर टोटल चार राज्यों में GDS की भर्ती निकाली गई। यहाँ पर हरियाणा, MP, उत्तराखंड और राजस्थान के लिए एक साथ यहाँ पर आवेदन मांगे हैं। तो दोस्तों, ये जो आवेदन है वो 22 जून से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 21 जुलाई तक ये फॉर्म आवेदन कर सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो यहाँ पर जनरल OBC के लिए 100 रुपये फीस है और ST SC फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा और यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। दोस्तों, फिजिकल हैंडीकैप भी यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क ही आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लगभग 7,000 से ज़्यादा पोस्टों के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। आप लोग देख सकते हैं जॉब लोकेशन हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। यहाँ पर पोस्ट नंबर की बात करें तो यहाँ पर 7,428 पोस्टों के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं और एज की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 18 ईयर्स एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर एज होनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ओवर एज हैं तो आप लोगों को कैटेगरी वाइज यहाँ पर छूट भी दिया जाएगा एज में। यहाँ पर राजस्थान में टोटल 3,262 पोस्टों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिनमें जनरल के लिए 1,557 और OBC के लिए 348 और EWS के लिए 278 और SC के लिए 544 पोस्टों के लिए आवेदन मांगे गए हैं और ST के लिए यहां पर 468 पोस्टें हैं। PWA के लिए 32, PWB के लिए 23 और PWC के लिए 32 पोस्टें और PWDA के लिए 10 पोस्टें हैं। और यहां पर हरियाणा की बात करें तो टोटल 608 पोस्टों के लिए यहां पर आवेदन मांगे गए हैं और यहां पर जनरल के लिए 276 और OBC के लिए 147, EWS के लिए 60 और SC के लिए 106। दोस्तों, यहां पर PWA के लिए 5 और PWB के लिए 6 और PWC के लिए 7 और PWDA के लिए 1 पोस्ट है। और यहां पर मध्य प्रदेश सर्किल की बात करें तो यहां पर टोटल 2834 पोस्टों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यहां पर जनरल के लिए 1139, OBC के लिए 296, EWS के लिए 292, SC के लिए 428, ST के लिए 566 और PW की बात करें तो यहां पर 33 पोस्टें PWA, PWB और PWC के लिए 29 पोस्टें और PWDA के लिए। दोस्तों, यहां पर PWA के मतलब है ये जो पोस्टें हैं वो फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए है, दिव्यांगों के लिए पोस्टें हैं। और यहां पर उत्तराखंड सर्किल की बात करें तो यहां पर 724 पोस्टों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यहां पर 411 पोस्टें जनरल के लिए, 96 पोस्टें OBC के लिए, EWS के लिए 38 पोस्टें और 134 पोस्टें SC के लिए और ST के लिए 27 पोस्टें यहां पर दी गई हैं। और PH की बात करें तो यहां पर PWA के लिए 2 पोस्टें, PWB के लिए 9 पोस्टें और PWC के लिए 7 पोस्टें हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो यहां पर हाई स्कूल मांगा गया है किसी भी बोर्ड से और इसके साथ आप लोगों को बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए 60 दिन का। यदि आपके पास CCC सर्टिफिकेट है वो भी इसमें काम करेगा। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है, हम आप लोगों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं आप लोग ये फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.appost.in। दोस्तों, ये जो इसका है वो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप लोग आएंगे तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग कैसे अप्लाई करना है पूरी जानकारी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यदि आप नोटिफिकेशन अलग अलग राज्य का देखना चाहते हैं तो यहाँ से लिंक दिया गया है नोटिफिकेशन के बारे में, आप लोग यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। और यहाँ पर किन राज्यों का यहाँ पर रिजल्ट आ गया है वो भी आप लोग देख सकते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट है कहाँ का रिजल्ट आया, कहाँ का नहीं आया है, क्या प्रोसेस चल रहा है, इस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन कैसे करना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक लिंक दिया गया है ऑनलाइन अप्लाई, यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से फर्स्ट लिंक से आप लोग रजिस्ट्रेशन करिएगा, सेकेंड लिंक से पेमेंट, और लास्ट जो थर्ड है अप्लाई ऑनलाइन फाइल स्टेप टू अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों लिंक दिए गए हैं, इसके जरिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, और इसका ऑफिशियल वेबसाइट और इसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि